प्रथम रास्ता मन पका पथिक को कि से पथुकी को कहीं से मो बक्ष पद रखिक जाऊनी से व्यक्ति कुआडे गले जीवन जाक से पथ झुरुची आज्ञा से व्यक्ति मान को तन्मध्यरु आपण मान को ओडिशा माटी रो अलौकिक प्रतिभा केते जण अछंती सेई कथा को कहिबा पई आज आपण मान को सन्मुख रे मु आज ए विषय वस्तु जी उत्थापन करछंती ओडिया भागवत रे आपण मान को अति प्रिय ओडिया मान को गौरवीय संतान जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे नवाक्षरी छंदर गोटे पद कहती ओडिया पुअर बार्ता ये ओडिशा माटी को खाली ओडिशा माटी नुहे ये विश्व ब्रह्मांड पाई हे पु कौन कहल पहले कर्म कर कहले कर्म करी फल ठीक पाई से प्राणी निश्चित भुंज कर्म जदि ठीक थी से रास्ता आपे आप खोज ना नहीं कर्म यार मूला बीज सब क्षेत्र बापारे भगवान को तो समस्ते डाकुछे भगवान पदार बिंद रे समस्त आज निजक आम समर्पित कर दौछे तेणु ए भली नीति शिक्षा बाणी ए संसार को दे जाई केते जण महापुरुष माने तांकरी कथा मु दुई पद कहिबा पई जाउछि भारत वर्ष रे शासन करूथिले ब्रिटिश सरकार बापा महात्मा गांधी बुली बुली प्रचार प्रसार करूथिले आमर स्वाधीनता आम आणवा पाई आपण माने समस्त जानिथिबे सही समय रे महात्मा गांधी को सम्मुख रे नेत्र पलक रे जणे व्यक्ति ओडिशा माटी रो छिड़ा होई छन महात्मा गांधी सदिन कहिले से व्यक्ति किए कि रे आउ केही निहंति से हेउछन्ति ए उत्कल रे मणि गोपबंधु दास महात्मा गांधी सदिन कहि दै चले जाई थले ओडिशा माटी रे पहले जदि ए भारत वर्ष रे गोपबंधु को पळी दस टी गोप था ये भारत के स्वाधीन हो सरता कौन सी कीर्ति कर आज्ञा समर्पित कर मानव सेवार जनसेवा ही मूल नहीं जनसेवा है मूल मानव सेवा निज को नियोजित कर भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास आज गोटे पद लेखे समुद्र कर्म समस्त जनसमाज जदि झुरे भगवान मुंडिया मारती रे हाँ व्यास गोटे पद कही ना हे भगवान कृष्ण कहते उद्धव रे ए उद्धव संसार जत मत मुंडिया मारुची संसार जत मत मुंडिया मारुची
मुंडिया मारे चंद्र सहस्र द्रष्टा भनरे उगत सर लोक मम वंदनीय भगवान कृष्ण कहले मु छह जन को मुंडिया मारे धरे से छह जन किए ना मासोपवासी जे मासे उपवास करे ये संसार रे मु ताकु ही मुंडिया मारो माने मासे उपवास रहिले भगवान ताकु प्रणाम करंती हां ताकु के सजडा हला बेले ए सुन वर्षक भितरे 30 टा उपवास करिवो हां वर्षक भितरे गुटे मास हां अरे केम केम दिनो सुन आयन कहनंदी आपण माने समस्त जानी दिबे हां एकादशी हां एकादशी जानि छ या हां बाजार को जिबो हां सुपर फाइन लाइलन चूड़ा के जानिबो हां चीनी टिके पड़ी थबो अच्छा छेना पड़ीबो हां कदली डंडा चकड़ देबो लडिया बाड़ी कुरे देबो हां जी ग्लास पानी पानी ग्लास पी ले एकादशी होय रे निर्लज बोदा मुहा एंडो मुहा गोधी मुहा आ गया एकादशी व्रत गले एई भली भाबरे पालन हुए हम जेजे आपे नि करू नाही रे नाही रे नाही रे अरे एकादशी का कोइबो मोटिया पद कहूची सही न भाग्य रि छंद हां सूर्य एकादशी को माने कर दिले कि भली कर दिले आज्ञा एले गोपी गले एकादशी गोपी माने एकादशी कर दिले हां हां गोपी माने एकादशी कर दिले हां केमिति व्रत करले केमिति आज्ञा ना जे दिन से एकादशी व्रत पालन करंती ना जदी निजर स्वामी चली आसुछंती देखिबे से स्वामी बोले नि जानि परंती सेई भाव रही छी जे ये होछंती मो कृष्ण आसुछंती कृष्ण आसुछंती कृष्ण ताहांकु एकादशी पुओ जदी चली आसुछी पुओ बोली मध्ये भूली जानती ये मो कृष्ण बाबा खकु आसीले स्त्री जदी आसंती स्त्री बोली भूली जानती गोपी स्वामी बोली भूली जानती से मध्ये कृष्ण बोली देखा जा कृष्ण बोली समस्त की भाभी नियंती सदिन हृदय रे किछि न थाए भाव प्रीति को समर्पण कर देई थांती विभू चरण रे सदिन तू जेबे मते भावे भावु ये घर संसार उतारिबू अरे घर उतारिबू ये घर संसार हां तेंदा धक धक पडुछ देखु रे भापटा निहाती दरकार मो प्रभु को पाइबा पाई हेले खाली भापल हमनी आपन बकार श्रद्धा रे प्रीति नाही जाना सकी दानी मोहब श्रद्धा रे प्रीति जदी भाव न हबती नि ना प्रभु को पाइबो नि रे सुन दीदा नाही गोटी रहूची चुप बस भापुटा रहूनी कि भक्ति रहूनी प्रीतिटा किंतु लागी कर रहूची तू काम प्रीति लगे कि रखिन थ मूर्ख सुन सुन आया बोल सर श्रद्धा प्रीति भाव को देई एकादशी व्रत करज करी जान करम भाव रहिबो केवल सेई प्रभु को निकट रे आउ एने मटर बस पेट काढ़ी करी अरुआ डालवा से दिन फल खिया फल मूल एकादशी हाँ इदी गोटे बारी गाई की कौन बाटे देखिए पशीगला उठिक दूर दूर माड़ गए गोमात से एकादशी जे क्षति करवाकू आसा सी प्रभु
ताले से व्रत ठीक तेणु भगवान कृष्ण कहले उद्धव रे ये बार मस चबिशा एकादशी गोटे कृष्ण मस को दुईटा एकादशी कृष्ण पक्ष तेणु बार दुगुण चबिश जो व्यक्ति चबिश टी एकादशी व्रत को पालन कै नीति नियम अनुसार हे उद्धव मुझे मुंडिया मार सीतानवमी रामनवमी हाँ भाव छयंती अच्छी तेणु ये शर जयंती को पालन कले तीस तेणु मस पशी गला सदा तीर्थ गानी भगवान कृष्ण कहले उद्धव ये सदा सर्वदा तीर्थ भ्रमण करे फ्लाइट टिकट बुकिंग करी कि बस रे जाई नुहे खाली पादर चली चली जी समस्त तीर्थ भ्रमण करू थाए हे उद्धव मु तार गोड़ तलम मुंड लई जाए सदा तीर्थ गान मिस्टर पूर्व कहूली प्राणी मन सदा बेले भल कथा कह प्राणी मान आत्मा को शांति दियो से जदि समस्त प्राणी तुम भाषा आज खुशी लाभ कले भगवान मासपवासी सदा तीर्थ के मिष्टान्न दानी तीन गल मिष्टान्न तरुणाग्निहोत्री आहुति दौंती पुरोहित मान बसी किए ना करता भगवान कृष्ण से मुंडिया मार ब्राह्मण मान बस बस अग्निहोत्री ब्राह्मण जे प्रथमे घर बाहर घरे टिके छोटिया होम करके बाहर भगवान को नमस्कार ब्राह्मण मोर गुरु हुतासन भगवान नमस्कार करती भगवान कृष्ण कह भगवान कृष्ण कहले कहले उद्धव शुणु शुण कहीं पतिव्रत नारी को आज प्रणाम करे ना सामान्य नुहे पतिव्रता महिमा जुगे जुगे से पतिव्रत नारी पाखु मु अभिशाप बहुत पाई तेणु तर महिमा सामान्य नुहे से कारानुपात नहीं मु सदा सर्वदा पतिव्रता नारी को मु प्रणाम करे जगतर वन पीस अच्छी भगवान प्रणाम कर स्त्री छिड़ा पतिव्रता मो स्त्री जुगे जुगे ये भारत वर्ष रे नारी मान को सम्मान दिया जाय छी देवी दिया जाउ छी हां आर्य भूमि भारत वर्ष रे भारत रो नारी मान श्रेष्ठ बोल समस्त जानि छन हां काहे कि जानि छी काहे आया कोति पर जानि छी कोनां कि पुराण ठारु आरंभ कर कि सामाजिक पर्यंत नारी मान कर जहां भूमि रही भूमिका रही छी ये भारत वर्ष रे से क्योंठी देखा जाने से भल नहीं नहीं स्वामी मानन को प्रति परिवार प्रति राज्य प्रति देश प्रति जे भली भाव रे भावना रही छि से भली आ क्योंठार जणा पड़े नहीं केवल आम आर्य भूमि रे किंतु सत्य की कार्य करिया पई पड़ी पड़ी बड़ा
କାହିଁକି ମହାନ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନାରୀକି ନାରୀକି ଶୁଣିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପନ୍ଦର ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପତିଙ୍କୁ ସେବା କରି କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନରରାଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ରାଜା ନଳ କହିଲେ ରାଜା ଘରର ବହୁତ ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମେ ଚାଲିଯା ଗୋଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂ ନୈଷେଦ କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାପାରେ ରାଜା ନଳ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳ ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକାଚ ବୈଦେହି ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜା ନଳ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମା ବୈଦେହି ବା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ କାହିଁକି ହେଲେ ଆଜି ନଳ ଭାରତୀ ସତ୍ୟ ବୁଝିଆ ଦେବୀ ଚିନ୍ତ୍ୟ ଚିନ୍ତ୍ୟ ବଳୟ ନବୀ ଅମ୍ବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ସିଂହାସ କହିଲେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରାଜା ନଳ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି କୌଣସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି ଭାଗ୍ୟର ବିଳମ୍ବ ନାଁରେ ସିନା ନଳ ରାଜା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରୁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବେନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଲା ହେବନି ଗଲେ ପୁରାଣ ସେତେବେଳେ ନଳ ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଳୋକ ବାପରେ ସେ ପୁରାଣକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ମାନବ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆମର ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର